अस्सलामुअलैकुम बच्चों, हमने देखे कि चारों जमात की मजमून रियाजी में हमने जो एहाता यूनिट पढ़े तो वो एहाता हम किस तरह मालूम करेंगे, दी हुई शक्ल का एहाता किस तरह से निकालेंगे। तो हमारे पास ये मुस्ततील है, क्या है हमारे पास ये मुस्ततील। अब हमने देखे कि मुस्ततील यानी चार जिलों से बनी हुई वो शक्ल जिसके आमने सामने के दोनों जिले बराबर होते, तो हमें क्या करना है कि इस मुस्ततील का इहाता मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। कौन से जाब्ते का, क्या मुस्ततील का इहाता बराबर चारों जिलों की लंबाई की जमा। अब बच्चों, हम इस मुस्ततील की शक्ल में ये फर्ज करेंगे क्या इस जिले की लंबाई है 500, इस जिले की लंबाई है 400, इस जिले की लंबाई है 400 और इस जिले की लंबाई है 500, है ना। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये मुस्ततील का इहाता जो है इसका जाब्ता चारों जिलों की लंबाइयों की जमा, इसके अंदर हम ये पैमाइश रख देंगे। तो हम लिखेंगे इहाता बराबर 5 + 4 + 5 + 4 यानी कितना। तो हम लिखेंगे यहाँ इहाता बराबर, अब हमारे पास 5 और 4, 5 में 4 मिलाए तो 9, 9 में 5 जमा करें तो 9 से 10, 11, 12, 13, 14 कितने हुए बच्चों, 14। अब 14 के अंदर 4 मिलाओ तो 18, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे 18 सम